वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा प्रवचन प्रेम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 1952 अनुसार 3 अगस्त 1995 को लगभग 8:30 जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार गर्वस्मो वंदे नंदो सुतन्न कार्य गाथा ये कुठे तेज पाणि ज्ञान विद्या कृष्ण प्रश्न आया है कि सत्संग के समय नाम लिखे माला जपे नाम जप करें नहीं। देखो सत्संग की बात बता मैं आज सत्संग सुनते समय नाम जप होता रहे तो कोई परवाह नहीं, पर नाम जप करना है
अथवा नाम लिखना है, ये करने से सत्संग सुनना ठीक नहीं होता है। सत्संग करने की भी एक विधि है, ये सोलना ही नहीं है पूरा। जैसे श्रवण मनन निध्यासन कहते हैं, तो श्रवण मनन कोरो सुनने का नाम नहीं है। ऐसे श्रवण भक्ति होती है, वो श्रवण में प्रेम लग जाता है, सुनने के लिए तदाकार हो जाता है। जैसे कस्तूरिया मृग होता है, उसको जब बीना बजावे तो बीना में वो मन लग जाता है, उसे मस्त हो जाता है, आंखें मीच लेता है, फिर मार देते हैं उसको। सांप होता है, आपने देखा होगा, पूंगी बजती है, यूं यूं हो जाता है, यूं सांप में। तो सत्संग सुनते समय मन तल्लीन सत्संग में होना चाहिए। सुनते समय मन लगाकर सुना जाए तो उनको पहले मालूम हो जाता है कि ये कहने वाला क्या कहेगा। जैसे मेरी बात सुनने वाले हैं, तो मैं कहने लगता हूँ तो मन लगाकर सुनने वाले जानने वाले कहने की ये बात कहेंगे, अब ये जो कहते हैं त्यों ही अगाड़ी की सूरती, अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, ऐसा मन लगाने से। ऐसे ही पढ़ाई करते समय पढ़ाने वाले के मुख की तरफ देखते हुए उनकी वचनों को सुनते रहे, तो पढ़ाई में ऐसी बात होती है कि अब यह सुनाया, ये सुनाया, ये सुनाया, और विशेष ध्यान देने से पता लग जाता है कि अब ये कहेंगे, अब ये सुनाएंगे। सुनाने से पहले बुद्धि लग जाती है वहां, वो सुनना सुनना होता है, उससे लाभ होता है। सुनते रहे, नाम लिखते रहे, उनके पूछा क्या सुना, अगर तो पता नहीं। बोध कहते क्या बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी, क्या बात हुई, वो तो याद नहीं है, बहुत अच्छी हुई बात है, तो अच्छी क्या हुई अच्छी। सुनते समय ठीक भाई ये विषय चला था, ये बात है, ये कह रहे हैं, हम सुनने के बाद मामे तो पूरे पूरे हम कह सके कि ये बातें कही थी, ऐसे सुनना चाहिए। सुनने के लिए किस तरह से सुनना चाहिए, तो जैसे आपके साथ किसी की खटपट है और उस घर के पास में होकर आप निकल रहे हैं और वे घर में बातें कर रहे हैं, आड़ी बाढ़ है जिनसे सुनाई तो देता दिखता है नहीं, उसमें कहीं अपना नाम आ जाए तो भी क्या कहते हैं, हमारी बात क्या कह रहे हैं, तो उसको सुनते रहते हैं। अरे वह घाम तप रहा है, मैले की दुर्गंध की दुर्गंध आ रही है, पवन लगता नहीं है, पर सुनते हैं क्या क्या कहता है हमारे विषय में, बन पड़े तो ये कहूंगा उसको, ये कहूंगा, तुम ऐसी बात करते ऐसे, जैसे उसको सुनते ऐसे श्रवण करना चाहिए, तब वो सुनने का लाभ होता है। नहीं तो सुनने की बात है, सुन लो पता ही नहीं लगता क्या कहा, क्या कहेंगे पता ही नहीं लगता। मार्मिक बातें वो समझ नहीं सकते, थोड़े से बीच में इधर देख लेते हैं तो विषय छूट जाता है। श्रृंखला बरोबर सुनते रहे एकदम, तब उतना पता लगता है। बड़ी गहरी बातें होती है, उनको समझने के लिए अवसर मिलता है, परंतु थोड़ा सुना, थोड़ा इधर देखा उधर देखा तो पता नहीं लगता, विषय पकड़ नहीं सकते हो। थोड़ी बातें सुन ली परंतु मतलब क्या है कहने वाले का, ये नहीं समझ पाता। और मन लगाकर सुने तो सुनने वाले की बात समझ में ऐसी आती है कि ये विषय का ये बात थोड़ा प्रतिपादन किया, ये बात कही, ये बात कही, किसी सुना सके हम दूसरे को,
इसलिए नहीं पढ़ी हुई बात तभी है कि जब हम दूसरों को पढ़ा सकें, और पढ़ा नहीं सकें तो पढ़ा क्या फिर क्या पढ़ा दूसरों को पढ़ा नहीं सके तो। इस तरह से सुनते समय नाम जप करते हैं, माला फेरते हैं, अथवा नाम लिखते हैं, अथवा दूसरा काम करते रहते हैं, कोई न कोई काम वो करते रहे और नाम जपते रहे अथवा सत्संग सुनते रहे, तो वो दूसरे काम में मन लेने से सत्संग सुनना ठीक नहीं होता है। आप से आप स्वभाव से ही नाम जप की आदत पड़ी हुई है, राम राम होता रहे, वो कोई बाधा नहीं देता, वो सुनने में बाधा नहीं देता। परंतु नाम जपते और मन रखते और इतनी माला हुई इतनी हुई ऐसे देखते रहते हो, वो सुन नहीं सकता, वो सत्संग नहीं सुन सकता। वो सत्संग सुनने की विद्या है, विद्या ऐसे ही पढ़ने की एक विद्या है। हमारे सहपाठी थे समद्राम जी, वो प्रथमा परीक्षा दे चुके, फिर वो बोले कि अब मेरे को पढ़ना आया है, पढ़ना कैसे चाहिए, अब मैं पढ़ना सीख रहा हूं। कम से कम 3 वर्षों का कोर्स पढ़ चुके थे, तब वो कहते थे कि अब मेरे को पढ़ना आया है, मैं पढ़ना सीखा हूं अब कि पढ़ना कैसे चाहिए। ऐसे सुनने वाले भाई बहन सुनना जानते नहीं, इन बहनों माताओं में ऐसी आदत है कि करती रहती है और जानती नहीं है। बूढ़ी हो जाती है तब भोजन परोसना नहीं आता, रसोई बनानी है रसोई बनानी नहीं आती, बच्चों को परोसना नहीं आता, किस तरह से परोस जाए, ये पुरुष थे उम्र में बीत जाती है पता नहीं लगता, ख्याल करते ही कैसे दे दिया खाली, कैसे परोसना चाहिए, और भोजन करने वाले उम्र बीत गई भोजन कैसे करना चाहिए पता ही नहीं, भोजन कैसे करना चाहिए। आप हंसी आवेगी, आप जूती उतार करके आते हैं तो आपको ये पता नहीं जूते कैसे उतारने चाहिए, कहाँ छोड़ने चाहिए, ख्याल नहीं, ये मैं देखता हूँ तो उसमें बात क्या छोड़ दी, जहाँ दरवाजे में आए वही जूती छोड़ दी, अब आए वो ठोकर लगाता है और पैर लगता है पीछे, जूती एक तरफ रखनी चाहिए जिसने ठोकर न लगे दूसरे के बाद न लगे रहते हो गए, ऐसे की सुनी बात है। तो हर एक काम करना सीखना चाहिए, 2 बात है इसमें, एक काम करना सीखना है और एक काम करना है, सीखना नहीं आता और करते हैं तत्परता से तो करते हैं तो काम तो अच्छा होगा पर बढ़िया नहीं होगा, और सीखा हुआ तो है पर मन लगा करते नहीं तो काम अच्छा नहीं होता। दोनों चाहिए, काम करने की तरकीब भी याद आनी चाहिए और करना भी चाहिए ढंग से, तब वो बढ़िया बनता है। रसोई बनानी चाहिए तो कैसे बनानी चाहिए, अब थोड़ी देर चूल्हा चेताया काम किया फिर 2-4-5 मिनट बंद कर दिया फिर चूल्हाया, दिन भर में रसोई नहीं बनेगी, बुझ जाएगा फिर दुमर चलाओ फिर करो फिर करो फिर करो, और लगातार किया जाए तो बहुत जल्दी रसोई बन जाती है। ऐसे हर एक काम ध्यान करके किया जाए तो ये बड़ी लाभ की बात है। किसी किसी भाई से मेरी बात भी है याद नहीं है, और भाई ने कहा कि ये बातें क्या मामूली बातें क्या, मैं बातें कहता हूँ उनमें बात करते थे ये संसार की क्या बातें करते हो, ये ठीक नहीं। अब परमात्मा की बातें वो ठीक है, जो संसार की बातें नहीं सुन सकता वो परमार्थ की बातें नहीं सुन सकता। बहुत वर्षों पहले की बात, एक बहन बोली, मैंने कहा कि घर में देरानी है जेठानी है सासू है बहू है नांद है, इन सब को कैसे बर्ताव करना चाहिए, तो अरुचि होगी उसकी, या तो लुगाई बात करे, तो 50 साल पड़ी हुई थी वो, बातें तो क्या बात है, वो भाव समझते नहीं। लुगाई वाली बातें इतनी बढ़िया बहुत है घर की बातें, परंतु मैं ज्यादा कहता ना कहता तो हूँ,
हमारी पुस्तक एक लिखी ग्रीष्म में कैसे रहे, थोड़े दिनों में बहुत सब की पुस्तक है, लोगों ने बड़ी पसंद करी ग्रीष्म में कैसे रहे। तो ग्रीष्म में कैसे रहे, अब ग्रीष्म तो लिखे तो लिख दे, पर मैं तो साधु हूँ और मैं देखता हूँ ना, रहता तो आप में ही हूँ, तो किस तरह ग्रीष्म में रहना चाहिए आप लोग भी देखो कि ग्रीष्म में कैसा रहना चाहिए। लोगों ने बहुत पसंद की उसमें, थोड़ी दिनों में इतनी प्रति मेरे लिए किसी पुस्तक की भी इतनी प्रति नहीं छपी, किसी छपी तो मेरे को याद नहीं है। तो हर एक तरीका है कैसे रहना चाहिए, समय कैसा बर्ताव करना चाहिए वो सीख लो, तो ये परमात्मा की प्राप्ति में काम आवेगी चीज। आप देखो तो अग्रस्तव की बात है, मैंने तो ये विवेचन भी किया है आपके सामने किया याद नहीं है। गीता व्यवहार में परमार्थ सिखाती है, करे व्यवहार और सिद्ध हो जाए परमार्थ। और यहाँ तक बात मैंने तो सोची है, गीता लिखी है तब एक बात समझ में आई, गीता कहने का मेरा बहुत काम पड़ा है, वर्षों से गीता कह रहा हूँ मैं, पर गीता में नई नई बातें हमें समझ में आती है, परंतु जब गीता पर लिखाने लगे तो उस समय जो बात आई वो बहुत विलक्षण आई। गीता के क्रम से नहीं लिखा था, पहले 12वां लिख दिया, 15वां लिख दिया, उसे ऐसा अध्याय लिखते लिखते बहुत देरी से तीसरा अध्याय लिखा। तो तीसरे अध्याय लिखते हुए समझ में आया, ध्यान देकर आप सुने, ये सुनने की बात पूछी है ना, इस वास्ते कह रहा हूं, दुरुपयोग न करें। तीसरा अध्याय लिखने लगे तो मेरी एक बात विलक्षण समझ में आई कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ऐसे काम करते हैं तत्व ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए, परंतु गीता की ऐसी शैली है विलक्षण कि संसार का काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ये बात तीसरे अध्याय लिखते हुए समझ में आई। देवान भावयता अनेना ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्त श्रेय परम वापस्यतः, 11वां श्लोक है। देवान भावयता अनेना, अब इस भाव में देवताओं को पूजन करो, देवता तुम्हारी सहायता करे, तुम देवताओं की सहायता करो, ऐसे परस्पर सहायता करते हुए परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। ये लिखा है परम श्रेय अवापस्यतः, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। तो अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरे के हित की भावना रखते हुए आप व्यवहार करो, तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। परमात्मा प्राप्ति की जब ध्यान आदि की जरूरत नहीं, तो तुम पहले कह दिया आप दुरुपयोग मत करना, जब ध्यान छोड़ दो, ये दुरुपयोग है मेरी बात का। मन कैसे काम करना चाहिए, भारतवर्ष की, अपने हिंदू धर्म की, सनातन सिद्धांत की कितनी विलक्षणता है कि आपके व्यवहार से परमात्मा प्राप्ति हो जाए। ठीक तरह से ब्राह्मण को जैसे रहना चाहिए वैसे रहे, क्षत्रिय को जैसे रहना चाहिए वैसे रहे, वैश्य को शूद्र को जैसे रहना चाहिए वैसे रहे, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, किस मर्यादा में रहकर कैसा काम, वो शास्त्र के अनुसार अपने जिस वर्णाश्रम में बहनों माताओं का क्या बर्ताव होना चाहिए, पुरुष वर्ग का कैसा बर्ताव होना चाहिए, क्या तुम्हारा धर्म है, स्वेष्ठ कर्मण्यभिरता संसिद्धं लभते नरः, 18वां अध्याय का है। अपने अपने कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लो, इतनी विलक्षण बात है। तो बात क्या है वो सार बात बताता हूं, हमारे द्वारा इनकी सेवा कैसे हो। गीता में कर्म योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग है, तीन योग है। ऐसे ही भागवत में आया है योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, मैंने तीन योग कहे हैं, वही कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग।
तो ये लोग कहे थे इनकी प्राप्ति कैसे हो, तत्व की प्राप्ति, तो कर्मयोग एक सिद्धांत है। उस कर्मयोग के विषय में शास्त्रों की प्रक्रिया पढ़ोगे, वेदांत पढ़ोगे, तो उसमें आएगा कर्मयोग का केवल अंतःकरण की शुद्धि ही फल है, और भक्ति योग का अंतःकरण में मल विक्षेप आवरण तीन दोष होते हैं। मल वृक्ष को, मल दोष को दूर करता है कर्मयोग, विक्षेप दोष को दूर करता है भक्ति योग, और आवरण को दूर करता है ज्ञान योग। ये एक देश की बात है, गीता की बात नहीं है, ध्यान देना। वेदांत के आचार्य तक हो जाए तो मैंने पहले के यही प्रकृति है, पर गीता के तत्व की ये बात नहीं है। गीता का मेरा परिचय है, एक अभिमान की बात है, परंतु एक बात बताता हूँ। गीता की पहचान 1972 में हुई थी मेरे से, देख लो कितने वर्ष हुए, 72 में, सम्मत विक्रम सम्मत। तो उससे मैं उसके बाद मैंने पढ़ी, कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, कभी पाठ करते कभी नहीं करते, कोई बढ़िया हमारा जीवन नहीं बीता ऐसा। परंतु गीता पर विचार हुआ, तो गीता पर मेरे विचार हुआ कि जो शास्त्र पढ़ करके फिर गीता पढ़ेंगे वो गीता नहीं समझ सकता, पहले पढ़ करके प्रक्रिया तैयार कर ले फिर गीता समझे, नहीं समझ सकता गीता। मैंने पढ़ाई करी है, गीता पढ़ाऊ, पढ़ाई करी है, वो प्रक्रिया मैं जानता हूँ कि पढ़ाई की। तो गीता समझना हो तो गीता ही क्या चीज है इसको समझता जाए, गहरा उतरता जाए तो बहुत समझ में आ जाएगी। तो कर्मयोग क्या है? कर्मयोग है जो कोई योग करता है तो अगाड़ी ध्येय होता है, अगाड़ी देवता होता है, अगाड़ी इष्ट देव होता है, उस इष्ट देवता की प्राप्ति के लिए काम करता है। तो कर्मयोग क्या है? कर्मयोग का इष्ट देव जनता है, ये संसार है, ये देवता है, इसका पूजन है कर्मयोग में। ज्ञान योग है तो उनका ब्रह्म पूजन है, याद है। भक्ति योग का है ईश्वर परमात्मा पूज्य है, कर्मयोग का पूज्य ये संसार है। तो तीनों करने से वो संसार के लिए भी उपयोगी हो जाएगा, और ज्ञान जो तत्व बोध है ब्रह्म, उसकी प्राप्ति होने पर अपने लिए उपयोगी हो जाएगा, और भक्ति करने से भगवान के लिए उपयोगी हो जाएगा। कर्मयोगी संसार की आवश्यकता को पूरी करता है, ज्ञान योग अपनी आवश्यकता को पूरी करता है, भक्ति योग भगवान की आवश्यकता को पूरी करता है। आश्चर्य आएगा, भगवान की भी आवश्यकता रहती है क्या? किसी चीज की आवश्यकता होती है क्या? एक आवश्यकता होती है, एक इच्छा होती है, दो चीज है। ध्यान देकर सुने, ये बात बड़ी मर्म की है, बड़ी बढ़िया बात है। मैं जो मर्म की बढ़िया बात कहता हूँ उसका अर्थ आप समझो, अर्थ ये होता है कि मेरे को वो बहुत बढ़िया लगी है बात। जब वो बात समझ में आई तो चेत हुआ है, आंखें खुल गई, वो विचित्र बात है, ऐसी बात होती है। उसके लिए मैं कहता हूँ कि आप ध्यान दो, बड़ी बढ़िया बात है, तो मेरी ऐसी लगी है। तो कर्मयोग है संसार का उपयोग ही होता है, संसार का उपयोग होता है, ज्ञान योग से अपना उपयोग ही होता है तत्व ज्ञान से, और भक्ति से भगवान के लिए उपयोग ही होता है। ये तीनों के लिए उपयोग होने तीन योग है। तो कर्मयोग में इष्ट देवता कौन है? ये संसार है। गीता के सिद्धांत की बात कहता हूँ मैं, वो नहीं कि मल दोष दूर कर देता है कर्मयोग, ये नहीं कहता हूँ। परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जीवन मुक्त हो जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, प्रेम प्राप्ति हो जाती है, एक से तीन हो जाते हैं। तीन शक्तियां अपने में है, ध्यान देकर सुने आप लोग। एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। चौथी शक्ति आप फिर बता देना मेरे को, वो याद कर लूंगा, चार करने शुरू कर दूंगा मैं। मेरी समझो तीन शक्ति है, एक हमारे करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है।
तो कहाँ मानने की शक्ति लगानी चाहिए, कहाँ जानने की शक्ति लगानी चाहिए, कहाँ करने की शक्ति लगानी चाहिए, अलग अलग विषय है। तो कर्मयोग में करने की प्रधानता है, ज्ञान योग में जानने की प्रधानता है, भक्ति योग में मानने की प्रधानता है। भगवान को मानो तो भगवान दी गए, नहीं मानो नहीं मिलेगा। मानना पड़ता है भगवान को, बिल्कुल मानना पड़ता है, हाँ भगवान है, हाँ है, ऐसे हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, तब भगवत भक्ति होगी। तो भगवान की भगवान में मानने की शक्ति काम करती है, अपने स्वरूप में जानने की शक्ति काम करती है, और सेवा करनी पड़ती है। कर्म योग में सेवा करनी है संसार को जानने, संसार में। इस वास्ते कर्म योग के कर्म योग ये दो शब्द है, इसे दो भेद है। कर्म नाम है क्रिया करने का, और योग नाम है समता का। कर्म है ये क्रिया करना, ये पूर्वार्ध है, कर्म योग का आधा भाग है, और योग है ये आधा भाग है, ये उत्तरार्ध है, ये पहला है। तो करना क्या कि सेवा, दूसरों को सुख पहुंचाना, घर में रहते हुए भाई बहन अपना भाव रखे एक एक कि मेरे द्वारा सब घर वालों की सेवा कैसे हो, यहाँ से शुरू करो, ये कर्म योग है। घर वाले जितने उनकी सेवा कैसे हो जाए, उनको सुख कैसे पहुंचे, दुख कष्ट संताप मैं सहूं और आराम सब घर वालों को हो, ऐसे एक एक भाई करे, सबके सब सुखी हो जाएंगे, कोई दुखी रह सकेगा ही नहीं। और मैं सुखी हो जाऊं दूसरे परवाह नहीं, सबके सब दुखी होंगे, कोई सुखी नहीं हो सकता। आज ये बहुत बड़ी भारी बीमारी हो गई है, मेरे को सुख मिलना चाहिए, ये कलयुग महाराज की लीला है, ये भारतवर्ष की चीज नहीं है। मेरे को सुख हो जाए, मेरे को आराम मिले, ये विदेशों की चीज हो सकती है, हमारे देश की चीज नहीं है ये। औरों को मेरे द्वारा किसी का भी हित हो जाए, ये भाव रखकर काम करना, वो कर्मयोगी होता है। और ज्ञान योगी होता है, मैं क्या हूँ, तत्व क्या है, ये संसार क्या है, इन बातों को जानने के लिए जो विचार होता है वो ज्ञान योगी होता है। और भगवान है, भगवान का पूजन करूं, भगवान का स्मरण करूं, ये भक्ति योग होता है। तो कर्मयोग में दूसरे का हित कैसे हो। एक कहानी याद आ गई, एक लड़का था, पढ़ करके अच्छा विद्वान बन गया, जिसको ग्रेजुएट कहते हैं, ऐसा हो गया बड़ा विद्वान। तो उसने विचार, उसने कहा कि भाई उसके संबंध आने लगे बड़े बड़े धनी आदमियों के, कि हमारी कन्या है, हमारी गोत्र और मिलता है, ऐसे कन्या आने लगी। उसने नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसे मैं तो मेरी पसंद की से ब्याह करूंगा। तो पसंद की क्या आई, एक छोरी थी अंधी, उसमें गोत्र मिल गया, हाँ अपना ब्याह होता है, उनका गोत्र ये गोत्र है, इन गोत्रों में हमारा ब्याह होता है, ऐसा मिल गया कि तो मैं इसके साथ ब्याह करूंगा। मित्रों कहने लगे, बूढ़ स्त्री के ब्याह करेगा, अंधी स्त्री क्या करेगी। कहते हैं कि मैं ब्याह करूंगा, कि किस वास्ते करता है, कि मेरे द्वारा एक प्राणी की भी सेवा हो जाए तो मैं अपने जीवन को सफल मानता हूं। तो क्या करूं, मैं सेवा करूंगा, रसोई खुद बनाता, अब आंधी आदमी कैसे रसोई बनावे, कैसे बना पा, तो हल्का सिका के नहीं सिका के देखे अंधा कैसे के बनाओ, तो स्वयं रसोई बनाता, कपड़ा धो देता, टट्टी पेशाब ले जाता, सेवा करता, कि मेरे जीवन से किसी की भी सेवा बन जाए, ये कर्मयोगी होता है, उसका नाम है कर्मयोगी। करने का नाम कर्मयोग नहीं है, करना नाम तो क्रिया है, कर्म है, उन कर्मों का फल सुख और दुख होता है, जो सारा जीवन भोगो, ऐसे होता है। तो ये सिद्धांत के एक प्राणी की भी मेरे द्वारा सेवा हो जाए, मैं वो ब्याह करूंगा। बड़े प्रेम से हुआ, लड़का लड़की हुए, खूब परिवार फैला उनका, बड़ी शांति रही। तो आप काम करता सब, तो अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों की सेवा हो जाए मेरे द्वारा। ये बड़े धनी लड़का था वो, और बहुत पढ़ा हुआ था, परंतु सेवा करने के लिए हुआ, तो मेरे द्वारा सेवा हो जाए। ऐसे आप भी समझो, मेरे द्वारा सेवा हो जाए, दूसरों को सुख हो जाए, सेवा बन जाए, तो वो सेवक होता है। तो साधन करने वाला साधक होता है, साधक करने वाला का साधन होता है, और साधन का साध्य होता है,
वो साध्य परमात्मा है, उसकी प्राप्ति के लिए साधन है, साधन के लिए मैं सेवा साधक हूँ। तो साधक इतना साधन साधक होना चाहिए जो साधन में तल्लीन हो जाए, साधक पना भूल जाए, साधन ही साधन रह जाए। जो साधन ही साधन रह जाता है तो साध्य की प्राप्ति हो जाती है। अरे साधक का अलग अभिमान रहता है तब तो साध्य तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इस वास्ते सेवा करने में सेव्य रह जाए, सेवा रह जाए, सेवा ही। तो इसको संता ने भाव शरीर कहा है। एक ये शरीर है व्यक्ति, ये सामने दिखता है ये व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति है, पांच भौतिक शरीर है, ये शरीर है दिखने वाला, और भाव होता है भीतर से सेव्य का। तो भाव शरीर है, एक स्थूल शरीर है, तो भाव शरीर और स्थूल शरीर में स्थूल शरीर की मुख्यता और गौणता भाव शरीर की होती है, तब तक वो साधक नहीं होता है। साधक वो होता है भाव शरीर की मुख्यता हो, पहले भाव शरीर हो पीछे स्थूल शरीर हो। ये दिखने वाला शरीर, ये कर्म शरीर पीछे दिखे, भाव शरीर पहले दिखे। कैसे कि जैसे आप समझो ये कौन, ये सत्संगी है, तो सत्संगी पहले दिखना चाहिए, स्त्री पुरुष पीछे दिखना चाहिए। ये सत्संगी भाव शरीर है, ये सत्संग करने वाले सत्संगी, तो सत्संगी शरीर है आपका कौन सा, भाव शरीर है, और आपका ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर की मुख्यता रहेगी तब तक भाव शरीर को आप जान नहीं सकोगे, और भाव शरीर की मुख्यता होगी तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्मयोगी अवसर क्या होता है, भाव कि ये सेव्य है, सब हमारे इष्ट देव है ये, अब इनकी सेवा कैसे बने, इनको सुख कैसे मिले, इसका उद्धार कैसे हो, सुधार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, सब तरह से इसका भला कैसे हो, ये सेवा होती है। ये सेवा करना, जैसे आपने बताया कि एक लड़के के साथ ब्याह किया तो कर्ण के सेवा, उसी सेवा कैसे बने, इसका उद्धार कैसे हो, सुधार कैसे हो। अब कौन आफत मांगे बोलो, कोई स्त्री को ब्याह करेगा अंधी लाएगा, आफत है घर में, एक आफत लाना है, पर नहीं, सेवा करनी, हमारा जीवन सफल हो जाए। तो सेव्य होता है और वो होता है सेवक। तो सेवक सेवा करते करते, सेवा करते करते सेवक पना मिटकर सेवा ही सेवा रह जाए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सेवा ही सेवा, सबको सुख कैसे, भोजन भी दूसरों के सुख के लिए, पानी पीना भी सुख के लिए, सोना भी जगना भी सबकी सेवा के लिए, चलना फिरना भी सेवा के लिए, ऐसा होता है। वो कर्मयोगी होता है, उसका नाम है कर्मयोगी। तो कर्मयोगी क्या है, उसका सिद्धांत संसार के लिए भी उपयोगी, तो संसार के लिए उपयोगी होता है उदार होने से। उदार कब होता है कि जब कंजूसी नहीं रही, कृपणता नहीं रही, धन में मोह नहीं रहा, तब तो उदार होता है। तो शरीर से ही उदार होता है, भावों से ही उदार, पैसों से ही उदार, सब तरह से सबकी सेवा बन जाए। तो उदार आदमी सेवा कर सकता है, कंजूस कृपण मखसूस नहीं कर सकता सेवा, वो क्या करेगा, तो सेवा करेगा, उदारता उसमें आ जाएगी। तो सबका सबके उपयोगी मैं कैसे बनूं, वो चाहे अच्छा हो चाहे मंदा हो, चाहे बुरा हो चाहे भला हो, संत हो चाहे दुष्ट हो, कोई हो, मैं उपयोगी कैसे बन सकता हूँ, उनके उनकी सेवा कैसे कर सकता हूँ मैं, ऐसा विचार कर सेवा करता है। तो सेवक पना मिट करके सेवा रह जाती है, हरदम पर सेवा ही सेवा होती है, और सेवक पना मित्र सेवा रहते ही सेव्य की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, तो सब जगत में ईश्वर का दर्शन हो जाता है। ईश्वर का दर्शन होते ही संसार का दर्शन मिट जाता है। संसार क्या, राग द्वेष हर्ष शोक, अच्छा मंदा, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्मना मरना, आना जाना, नफा नुकसान, ये संसार है। इससे ऊंचा उठने पर ये नहीं रहता है। नफा और नुकसान दो चीज नहीं होती है, आना जाना दो नहीं, संयोग योग दो नहीं है। ये होने पर संसार मिट जाता है, परमात्मा रह जाते हैं, सब जगह ईश्वर रूप है दिखने लग जाता है।
उसका अनुभव हो जाता है, संसार मिट जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, भगवान में प्रेम हो जाता है। तीनों चीजें एक से मिल जाती है। तीनों क्या कि परमात्मा इष्ट देव की प्राप्ति तो कर्मयोग में सिद्ध होने वाले, उसकी प्राप्ति अपने स्वरूप का बोध और परमात्मा का प्रेम। भक्ति योग में परमात्मा में प्रेम होता है, ज्ञान योग में अपने स्वरूप का बोध होता है, कर्म योग में सेवा होती है, सब सेव्य होता है, ये संसार सेव्य होता है, ज्ञान योग में ब्रह्म सेव्य होता है और भक्तों के ईश्वर सेव्य होता है। ऐसी सेवा करते हुए अपना सेवक बना गल करके सेवा मात्र हो जाए तब कर्म योग की सिद्धि होती है। तो कर्तव्य कर्म करना सबके सुख के लिए, सबके आराम के लिए। अपने लिए कर्म करता है वो, अपने लिए कर्म करता है वो पशु आदि होता है। और एक संतों ने विचित्र बात लिखी है, आप बुरा मत समझना भाई, संतों ने लिखी है वो कहता हूं मैं, समझी कहत कबीर मैं कहता डरू पर गोरख कह जिसका मैं क्या करूं। संतों ने लिखा है कि अपने लिए जो काम करता है वो हिरण्यकश्यपु होता है। कल बात सुनी नहीं प्रहलाद की, कल मैं आया नहीं हिरण्यकश्यपु, जो अपने लिए काम, मैं नहीं मरूं लो से मरने में, लकड़ी से मरू नहीं, गीले से मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, पक्षी से मरू नहीं, ब्रह्मा जी की उस सृष्टि से न मरू, किसी से न मरू, ये अपने लिए काम किया। ये तो अपने लिए काम करना होता है असुर राक्षस, दूसरों के लिए काम करना होता है मनुष्य। तो लेने के लिए लेता है ये जड़ता है, हम लेने के लिए ले लें उसे, हम ले लें, हम ले लें, ये है जड़ता। और हम दे दें दे दें, ये है चेतनता। और लेना देना ये है जड़ चेतनता, और जड़ चेतना जड़ ग्रंथि, ये है साधारण मनुष्य। लेता भी है देता भी है, लेता भी है देता भी है। जो वास्तव में साधक होता है वो लेता नहीं है, वो देता है। लेता है देने के लिए, देता है तो देने के लिए, लड़ता है तो देने के लिए। भोजन भी करता है तो दुनिया के हित के लिए, जल पीता है तो दुनिया के हित के लिए, नींद भी लेता है दुनिया के हित के लिए। अगर वक्त पर अन्न जल और नींद नहीं ली जाएगी तो आलस सताएगा, काम कर नहीं सकूंगा, सबकी सेवा हो नहीं सकेगी। इस बात से सेवा करने के लिए करता है वो, स्वाद के लिए भोजन नहीं करता, शरीर के लिए नहीं करता है, शरीर में बल रह जाए जिससे दूसरों की सेवा बने। इस बार सेवा के लायक बनता रहूं, सेवा बनती है इसके लिए खाना पीना सोना करता है। तो सब क्रिया उनकी सेवा ही सेवा होती है, सेवा होते सब रूप से परमात्मा, सब जगह ईश्वर रूप है, ये साक्षात्कार हो जाता है। फिर जगत नहीं रहता उनके सामने, संसार नहीं रहता, परमात्मा ही रहते हैं। उस परमात्मा की सेवा करते परमात्मा ही रहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वो ज्ञान चाहते तो अपना बोध हो जाता है, भक्ति चाहते भगवान में प्रेम हो जाता है, यदि तो तीनों ही हो जाते हैं, तत्व ज्ञान भी हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति प्रेम भी हो जाता है और सेवा तो हो ही गई। इसी तरह से ज्ञान योग है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। तो एक दूसरों के लिए कर्म योग की खास बात है, परंतु कोई भी साधन किया जाए हमारे लिए अपने लिए है, भजन ध्यान जप अपने लिए, ध्यान अपने लिए नहीं, सबके लिए, सबके उद्धार के लिए। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीर है, इन तस्वीरों में स्थूल शरीर से क्रिया की जाए ये कर्मयोगी होता है। भाव शरीर वाला साधक होता है, तो भाव शरीर में हम साधक हैं। अपने मन में आता है ना, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, साधु हूँ, गृहस्थ हूँ, यह है मान्यता। तो मान्यता अपना स्वरूप नहीं है, मान्यता है काम करने के लिए। गृहस्थ तो गृहस्थ को कैसे करना चाहिए, साधु तो साधु कैसे करना चाहिए, ये माना हुआ अहंकार होता करने के लिए। और माना हुआ होकर के अगर भाव शरीर में पहुंचेगा तो होगा साधक, साधक होगा, उस साधक में भेद होगा। कर्मी योगी हों, कर्मी हों, कर्म योगी हों, ज्ञान योगी हों, भक्ति योगी हों, ये अपने में इस तरह से करता है। अब वो काम करना है उसमें तत्परता से करना है। अब पढ़ने सुनने वाले कहते हैं कि सुनते समय नाम जप करें अथवा नाम लिखें, तो कैसे सुनेंगे वो? आप साहब नाम जप तो होता हो तो कोई परवाह नहीं,
वो होता रहे अच्छी बात है, परंतु सुनने को आओ तो सुनना का प्रधान सुनना होगा, मन लगाकर सुनना होगा, क्या बात कही, क्या तात्पर्य था, कहने वाले का उद्देश्य क्या था, किस विषय में कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और क्या इसमें बात आ रही है, ऐसा सुनते सुनते ऐसा मनन होना चाहिए, उनको ठीक समझना चाहिए, तत्व से ऐसे समझ कर सुनना चाहिए। तो हरेक काम करता है वो सुगम, रसोई बने वो कैसी करनी चाहिए, रसोई बनने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, घर में झाड़ू देने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, स्नान करते कपड़ा धोने से परमात्मा प्राप्ति हो जाए, हरेक काम है ये गीता बताती है। गीता के लिए नहीं, अर्जुन ने कहा कि युद्ध में पूज्य जन मारे जाएंगे पाप लगेगा, भगवान ने कहा कि तुम युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, अच्छे तुम धर्म संग्रह मंग न कर तथा स्वधर्म की पाप मापी तो नहीं करने पाप लगेगा, तो फिर पाप नहीं लगने का उपाय कि सुख दुख के समय के तो लाभ लाभ जया जय तो युद्ध नहीं हो पाप मापी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इनको समझ लय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझ कर ना हर्ष होता है ना दुख होता है समान समझ कर पाप नहीं लगेगा। दिन भर गला काटना मनुष्यों को इसका हमें पाप नहीं लगेगा, ये नाहंकृतो भाव 17वां श्लोक है 18वीं अध्याय का, ये नाहंकृतो भाव बुद्धि से नहीं बिलीपे स्वाभिमान लोग नहंती न निवृत्ति थी, अहंकृत भाव नहीं है, अभिमान नहीं है, स्वार्थ की भावना नहीं है, मियाँ मात्र वो मार दे तो न पाप लगता है न बंधता है न करता है, तो क्या अपना त्याग है। अब उनमें सबका हित कैसे हो गए, तो मरने वालों का भी हित हो और रहने वालों का भी हित हो, सबका हित कैसे हो, ये हित की भावना से पुण्य होता है। आपको कैसे होता है, डाल चौदह किसी का आंख निकाल देता है, किसी टांग काट देता है, किसी हाथ काट देता है, क्या पाप होता है उसको, क्या वो पाप करते हैं। दूसरे का हित कैसे होता है, इस अंग को नहीं काटा जाए तो ये सब शरीर में फैल जाएगा, ऐसे समझे काटते हैं और पुण्य होता है, ऐसे पैसों करते हैं तो लोभ होता है तो नरकों में जाता है, और बीमारी है इतनी हो गई तो इससे ज्यादा बीमारी बढ़ जाएगी तो कई दिन फीस आवेगी, ये बात वो भी इलाज करता है, ऐसे जल्दी कैसे सुधी ये भी इलाज करता है, तो इलाज कर नरकों में जा सकता है परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। ऐसे माताएं भोजन बनाती रसोई करती हुई कितना इनके हाथ में बड़ा भारी यज्ञ है, ऐसा हाथ में आपकी चीज है, पर भावना ये कि सबको सुख कैसे, सबको आराम कैसे पड़े, सबका भला कैसे हो, इस भाव से भोजन कराया जाए तो भोजन का बड़ा भारी पुण्य होगा, आपको पवित्रता आ जाएगी, निर्मल हो जाएगा अंतःकरण केवल काम करने से। इसी तरह से सत्संग सुनना कैसे सुनना चाहिए, आपके सुनने का बड़ा भारी माध्यम आपका कल्याण होगा, दूसरों का भला होगा, इस रीति से हरेक काम करो, स्वार्थ का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके, पक्षपात का त्याग करके, विषमता का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके, और करो सबकी सेवा अपने अभिमान के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए, सज्जनों बात है अपने मुक्ति के लिए ही नहीं, में मुक्ति भी सबकी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस रीति से काम किया जाए तो सत्संग के द्वारा ये विद्या सीखी जाती है, जैसे पाठशाला में हम पढ़ाई करते हैं ऐसे अपने ज्ञान की या तत्व की प्राप्ति के लिए सत्संग है, ये पाठशाला है, उस सत्संग के द्वारा इन बातों को सीखी जाती है, काम किया जाता है। तो बार बार सत्संग करने के बाद सत्संग में सीखें और घर में जाकर काम करें और काम कर फिर सत्संग में सुने सुने हमारी कहाँ कमी रही, कहाँ त्रुटि रही, उसको दूर करते रहे और सुनते रहे, जहाँ जहाँ समझ में वहाँ पूछे ऐसे कैसे करना चाहिए, ये काम कैसे करना चाहिए, ऐसे पूछ कर उनको दूर करें। इस तरह से किया जाए काम तो वो कल्याण करने वाला होता है। तो कर्म योग होता है, तो कर्म करना होता है, आगे समता होती है, समत्वम योग उच्यते आरुलोक्षो मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, जो आर योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म कारण है, न कर्म ना मानारंभात, कर्मों के आरंभ के बिना सिद्धि नहीं होती और न तो संन्यास ना कर्मों के त्यागने से सिद्धि नहीं होती, तो कर्मों का आरंभ करना कर्म योगी के लिए, संन्यास है ये सांख्य योगी के लिए,
न कर्मणाम अनारंभा निष्कर्म पुरुषो स्मृति न तो सन्यासना देव सिद्धि समाधि गच्छति ऐसे कहने मात्र नहीं होता है। तो समता अंत में समता की सिद्धि हो जाए, बिल्कुल न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, ये समता उसका उद्देश्य होता है। समता रखना ख्याल होता है और इष्ट होता है संसार सब मनुष्य पशु पक्षी आदि सब सबका भला हो, ये उद्देश्य होता है। तभी वो कर्मयोग होता है, तो कर्मयोग के द्वारा दूसरों का हित हो, तो दूसरों का हित करते करते वो हित में हित अपने आप आप अपना हित हो जाता है, अपना हित नहीं सबका हित हो। इसे ज्ञान योग में तत्व क्या है, उस तत्व की पहचान, संसार का तत्व क्या है और परमात्मा तत्व क्या है। इसमें एक बात मर्म की बताता हूँ, ध्यान दे, उन्होंने मर्म की बात है। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, परमात्म तत्व ज्ञान परमात्मा के साथ अभिन्न होने से होता है। परमात्मा से अलग रहकर परमात्म तत्व का ज्ञान करते हैं, वो ज्ञान सीख लेते हैं, ज्ञान नहीं होता। और संसार में रचे पोते रहते हैं, उसको संसार का ज्ञान नहीं होता। क्यों? कि संसार से आप अलग हो, शरीर मिलता है और छूटता है, तो संसार से अलग हो तो संसार का ज्ञान आपके अलग होने से होता है। और परमात्मा का एक होने से क्यों? कि आप परमात्मा के अंश हो, वास्तव में उस परमात्मा से एक होगा तो परमात्मा का ज्ञान होगा, फिर बातें होती है, कर्म की उपासना होती है, सब कुछ होता है, पर परमात्मा का बोध नहीं होता। ये दो कायदा है, संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है। ये मैंने बातें देखी है, आपको एक दिन सुनाई थी, मैंने चाय छोड़ने की बात कही, जो छोड़ा बहुतों ने, एक वकीलों को पढ़ाने वाला वकील था, वो पास में बैठे थे, वो बोले नहीं, पांच दिन कुछ दिन बाद में मेरे से बात करी कि मेरे मन में तो आई परंतु निभेगा कि नहीं निभेगा क्या पता, परंतु मैंने छोड़ दी चाय, तुम बोला नहीं, मैं चुप रहा। तो फिर चाय छोड़ी तब कहने लगे कि अकल में नहीं आई, अरे रोगी उसी कप से पिए उसी से मैं पीऊं, गाय गोमांस खाने वाला भी उसी से कप से पिए उसी के से मैं पीऊं, किसी जाति का उससे भी उसी से मैं पीऊं, ये बातें चाय छोड़ने के बाद समझ में आई, चाय पीते हुए नहीं समझ सके। ये अमरावती की बात है, चातुर्मास हुआ था। तो ये जब तक व्यसनों को आप नहीं छोड़ते तब तक व्यसनों को समझ नहीं सकते। संसार का भीतर से राग द्वेष मिटने से संसार का तत्व समझ में आएगा, तो संसार कैसे तो अलग होने संसार काम आएगा। आप चलम तमाकू पीते हुए उसे तत्व को नहीं समझ सकते, और अलग होने पर समझ में आ जाएगी बात। व्यसनों में फंसे हुए व्यसनों को नहीं समझ सकते, भोगों में फंसे हुए भोगों को नहीं समझ सकते, भोगों से अलग होने पर भोग समझ में आएगा, और मोक्ष के साथ एक होने से मोक्ष समझ में आएगा, अलग बैठे हुए मोक्ष समझ में नहीं आएगा। मुक्ति क्या है, कैसे होती, क्या पता, तो उसके साथ एक होने से आता, ये मार्मिक बात। नाशवान वस्तुओं से तो अलग होने से नाशवान का ज्ञान होगा, अविनाशी के साथ एक होने से अविनाशी का ज्ञान होगा। तुम आप स्वयं अविनाशी हो तो अविनाशी के साथ मिलने से अविनाशी का ज्ञान होगा, और संसार विनाशी है उनसे आप अलग होने पर विनाशी का ज्ञान होगा। शरीर के साथ एक रहते हुए ना अविनाशी का ज्ञान होगा ना नाशी का ज्ञान होगा, विनाशी नाशी ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आप वास्तव में संसार से अलग हो। क्योंकि संसार से आप अलग हो तभी तो शरीर छूटेगा, अलग नहीं तो कैसे छूटेगा। इस पंडाल से हम अलग हैं तो हम तो बाहर जा सकते हैं, भीतर भी आ सकते हैं, एक चिपके हुए तो कहीं जाएंगे, न बाहर जा सकते न भीतर है यही रहेंगे। ऐसे शरीर हमारे से अलग है, शरीर से हम अलग हैं। शरीर तो गड़बड़ता घटता है, ऐसा पैदा होता है, मैं वही हूँ जो बालकपन में था, ये अपना ज्ञान है, मैं वही हूँ। वो तो आप चेतन वही हो, ऐसे शरीर वो नहीं है, शरीर बदलता है, शरीर एक क्षण भी साथ नहीं रहता, और आप एक क्षण भी नहीं बदलते। ये तो केवल परिवर्तन परिवर्तनशील संसार है, और आपका स्वरूप बिल्कुल अपरिवर्तनशील है, कभी नहीं बदलता, वो आप हो
और शब्द बदलता है वो संसार और शरीर है, और संसार और शरीर एक है, आत्मा और परमात्मा आप एक है। आपकी एकता परमात्मा के साथ में है, शरीर की एकता संसार के साथ में है। ये संसार का अंश है, उस संसार का अंश होकर संसार से सुख चाहते हो तब तक अपने लिए कर्म करते हो, उस समझ नहीं सकोगे। संसार की भेद सिर्फ संसार को दे दे सर्वथा, तब कर्मयोगी क्या करता है, संसार की चीज संसार को दे देता है और अपने आप को जान लेता है, ज्ञान योगी होता है, और संसार और अपने को भगवान को दे देता है तब भक्ति योग होता है। अपने को भगवान दे दिया, संसार को भगवान में, मेरी कोई चीज नहीं है, मेरे लिए कोई चीज नहीं है, सब भगवान की है, और भगवान संसार के लिए है, संसार के लिए है भगवान की, अरे मेरी अरे मेरे लिए है, ये होता है राक्षस असुर। इस वास्ते इन बातों को ठीक समझो तो ऐसी गहरी बातें आप जप करते रहोगे, नाम लिखते रहोगे तो समझ लोगे। मन लगाकर ठीक सुनने से बात समझ में आती है तो सत्संग है, ये तमाशा खेल नहीं है, ये गहरा उतर कर समझ नहीं है। सत्संग एक बड़ी भारी पाठशाला है, इसमें बहुत बातें सीखी जाती है। सत्संग करने वाले बिना पढ़े आदमी भी पढ़े हुए पंडित सागर ही हो जाते हैं, केवल पढ़ाई रट्टू है घोड़े याद किए हुए उनसे तेज हो जाते हैं, उतनी पढ़ाई तो नहीं होती, मन तत्व को समझने के लिए सत्संग होता है वो तेज होता है। सत्संग है उसका सत के साथ संग है, असत के साथ असंग है, असत के साथ असंग और सत के साथ संग प्रेम एकता, तब वो सत्संग को समझता है, परमार्थ बात को समझता है। इस वास्ते दूसरा काम करते हुए आप सत्संग नहीं कर सकते, सत्संग करो तो उसमें गहरे उतर कर समझो क्या कह रहे हैं, क्या चीज है, इसका मतलब क्या है। तो समझने वाले साथ साथ चलते हैं, साथ साथ रामायण का पाठ होगा उसमें आप निगाह रखो, गोस्वामी जी महाराज सदा राम जी के साथ रहते हैं। यहाँ प्रात रघुनायक जागे यहाँ वहां दशक अंदर के अखाड़ा वहां, सदा राम जी के साथ। और जब भरत जी और राम जी आते हैं तो भरत जी के साथ रहते हैं, वहां है राम जी यहाँ भरत, भगवान के साथ भगवान है भक्त और भक्त के साथ, और समय में राम जी के साथ। तो ऐसे सज्जन होते हैं वो भगवान के साथ रहते हैं हरदम। गोस्वामी जी महाराज रामायण में ये आप पढ़ना, ख्याल रखना है सदा कि राम जी कहाँ रहते हैं, वहां राम जी के साथ रहते हैं हरदम। और जो सीता जी के साथ प्रेम रखने वाले वे जनकपुर में रहते हैं, वहां सगे संबंधी हो जाते हैं सभी, वो जनकपुर वासी होते हैं, वे राम जी के होते हैं, दोनों मिलन होता है, ब्याह होता है, एक एक से बड़ा प्रेम होता है। तो हम राम जी के हैं, वे बराती होते हैं वर पक्ष के, और वे होते हैं कन्या पक्ष के। तो सीता जी को अपनी बहन मानते हैं, अपनी बेटी मानते हैं, राम जी को अपना जवाई मानते हैं। जय जवाई की जनक, जय हो जनक के जवाई की जय हो बोलेंगे, जवाई है हमारा, यानी हमारे राम लला है अयोध्या में। तो अपना अपना उनके साथ रहते हैं भाव में। तो गोस्वामी लिखते हैं रामायण तो यूं यूं नहीं लिखते थे, कभी लिखे जो वो लिखते हैं साथ राम जी के साथ रहते हुए। परंतु राम जी जहां दो हो गए, एक राम जी है हो गए जो दो, एक पलने में सोता हुआ है, एक रसोई में भोजन कर रहा है कौशल्या में है। तो यहाँ वहां दो बालक देखा, अब यहाँ रूहा कैसे करे बताओ, यहाँ यहाँ दोनों बाल कैसे करे। तो जहाँ यशोदा मैया है वो तो यहाँ, और जहाँ यशोदा मैया गई वहाँ, वो चली जाए पलने के पास में तो यहाँ, और रसोई में चले गए यहाँ, और उदू दे दो वहाँ। ये सब बातें इसी तरह से, तो सत्संग करने वाले गहरे उतर दी वो समझते हैं, हर एक बात को ख्याल नहीं होता, यूं ही बस कहते हैं सुनते रहते जैसे। तो गहरा उतर कर उन विषयों को समझो तो उस तत्व समझ में आवेगा। तो सत्संग करते हुए तत्परता से समझो, सिद्धांतों को समझो कि कर्मयोग होता है एक, भक्ति योग होता है, ज्ञान योग होता है, इस तरह से योगास्त्र योग में आप रोकता। तो कर्मयोग में उपासी हुआ परमात्मा, ये सब संसार परमात्मा का स्वरूप, सब जग ईश्वर रूप है, साक्षात हमारे इष्ट देव है,
वो भला और बुरा सब एक होता है। एक घर होता है, उस घर में रसोई की भी होती है, चट्टी का स्थान भी होता है, वस्तुओं का रखने का स्थान होता है, रसोई बनाने का स्थान होता है, जल रखने का स्थान होता है, सब मिलकर एक घर है। उस घर में शुद्ध अशुद्ध में फर्क नहीं होता है क्या? रसोई घर और चट्टी एक होते हैं क्या? ऐसे एक घर में होते हैं, जैसे एक शरीर में सब होते हैं, ऐसे एक समुदाय में सब ऐसे होते हैं। कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, सब मिलकर घर एक है, सब शरीर मिलकर एक है। उसमें अशुद्ध शुद्ध पवित्र अपवित्र सब होते हैं, भले और बुरे सब होते हैं, दुष्ट आत्मा महात्मा सब होते हैं। तो सब मिलकर के परमात्मा है, सब परमात्मा, सब परमात्मा। शेर जी की पुस्तक पढ़ा था मैंने, बहुत वर्षों की बात है, शेर जी मिला ही नहीं था उस समय, उन्होंने लिखा है भगवान क्या है भगवान। तो उसमें बात लिखी थी कि भगवान सर्वथा गुणों से अतीत है, सात्विकी भगवान है, राजसी भी भगवान है, तामसी भी भगवान है, और सबसे अतीत भी भगवान है, गुणमय भी भगवान है। गीता में ज्ञान के प्रकरण में सत्वम रजस्तमिति गुणा प्रकृति संभव, वो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और भक्ति माम ये चीज सात्विक भाव राजस्ताम से मत है, मेरे से होते हैं, वो प्रकृति नहीं है, सब गुण मेरे से पैदा होते हैं। इस वास्ते मैं कहा दसवें अध्याय में मेरे सिवाय कुछ नहीं है, अठारहवें अध्याय कहा तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है। यदि त्रिवल गुण तीनों गुणों से मुक्त ऐसा कोई नहीं, सत्व रजता में यानी गुणमय है, सब संसार गुणमय है, वह गुण सब प्रकृति में है, प्रकृति का है। तो प्रकृति से हमें लेना देना नहीं है, तटस्थ अलग होना है, ये ज्ञान योग में होता है। और भक्ति योग में सब संसार परमात्मा का है, परमात्मा का स्वरूप है। सात्विक राजस तामस भाव सब जितने होते हैं ये सब शरीर में अशुद्ध और शुद्ध सब स्थान होते हैं। हमारे शरीर में भी अशुद्ध शुद्ध शुभ होते हैं, सब मिलकर एक शरीर है। ऐसे शुद्ध अशुद्ध पवित्र अपवित्र नरक स्वर्ग वैकुंठ सब मिलकर एक संसार है, एक परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप सभी। तो ये ज्ञान होना चाहिए, ये ज्ञान इसे कर्मयोग से हो जाता है, ज्ञान योग से परमात्म तत्व तो हो जाए, माया में संसार दिखता है, या उसे इष्ट देव होता है। और उस भक्ति योग में अपने मतलब नहीं संसार से, अपने मतलब भगवान से है। जैसे पति प्रता स्त्री होती है, सीता जी वनवास चले जाए तो सीता जी राम जी के साथ गई, दशरथ जी महाराज के प्रति सीता जी का भाव मामूली नहीं था, पिता से भी अधिक पूज्य भाव था, पर वनवास में जो राम जा रहे हैं तो राम जी का साथ किया। दशरथ जी ने यहाँ तक कह दिया कि ये जनकराज कुमारी रह जाए सीता तो मेरे प्राण रह सकते हैं, मैं समझू मेरा राम लला है, मेरे राम जी का, मेरे राम का अंग है, मेरा राम है, ऐसे मेरे प्राण रह जाए, पर नहीं रही। भाई पति की छाया छाया कैसे रह सकती है, नदी में डुबारी जैसे जल बिना नदी क्या होती है, ऐसे राम छाया बिना पुरुष क्या होती है, ऐसे पुरुष बिना स्त्री है। तो राम जी के साथ हो गए थे सर, एकदम वन में जाओ चाहे सकल जाओ, सुख में तो साथ है, दुख में तो साथ में। सीता जी की बात आती है बड़ी विलक्षण, वाल्मीकि रामायण में जब वन में जाने लगे तो वनवास में कहे तो सीता जी को तुम यहीं रहो, तो सीता जी ने क्रोध किया कि महाराज मैंने रामायण सुनी है, किसी रामायण में नहीं आया है कि सीता जी घर पर रही हो और आप वनवास में गए हो, नई बात क्यों करते हो। ऐसी एक कड़ी बात बोली कि महाराज मेरे पिताजी जनकरी में प्यारी पुत्री हूँ, बहुत लाडली बेटी हूँ मैं, ये जानते कि ये छोड़ देंगे तो आपके साथ ब्याह नहीं करते, ऐसी प्यारी पुत्री हूँ और आप मेरे को छोड़ कर जाते हो। रामायण में लिखा है ऐसे वचन कठोर से जो निर्देश बलगान, आप रहने की बात कहते हो, ये बात सुनते अगर प्राण नहीं जाते हैं तो मालूम होता है कि आपके बीच में प्राण सहेंगे, भगवान जनकी मर जाएगी, तब साथ में अपने आराम के लिए नहीं साथ में, ये मर जाएगी। उसके लिए राम जी ने साथ में लिया, लक्ष्मण जी को खुद को उनके साथ में लिया, अपने आराम के लिए नहीं लिया, उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए, उनके मन के लिए। तो ऐसी सेवा होनी चाहिए, सेवा। इस बात चित्रकूट में रहते हैं लखन सी रूबी रही, लखन लाल जी सीताराम जी सेवा कैसे करें, जी में अविवेकी पुरुष, अविवेकी शरीर को
वो करता है, पालता है, ठीक करता है, तो अज्ञानी अव्ञानी शरीर को पालता है। इस तरह से सीताराम जी की सेवा लक्ष्मण जी करते हैं, छे लगन श्री रघुवीर जिम अविवेकी पूर्ण शरीर है, इस तरह से सेवा कर दी है। जैसे अपना शरीर हो, अपने शरीर में कहीं भी कांटा लग जाए तो उपेक्षा नहीं होती कि पग में कांटा लग जाए क्या है, अरे नहीं वही वैसे ही होता है। ऐसे किसी वर्ण किसी आश्रम किसी व्यक्ति को अगर दुख होता है तो पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे दुख से दुखी होता है, सुख से सुख से सुखी होता है। इसी व्याख्या तो पहले मैंने की है, फिर कभी मौका पड़े आ जाए कह देंगे। तो उसका अपना सुख सुख नहीं होता है, दूसरों का सुख सुख दूसरों का दुख दुख होता है। वहाँ ये संतों के लक्षण बताए अपने दुख के लिए तो वज्रा देवी कठोराणी, अपने दुख सहने में तो बड़े कर दे परवाह नहीं करता है, दूसरों के सुख कोमल हो जाते हैं कोमल से। इस बार से संत देव नवनीत समाना कहा कवन पर कहे नहीं जाना। इस तरह सुनो संकेत, सुनो इस तरह से तीन बात है, अपने शक्ति करने की शक्ति है, एक मानने की है, एक जानने की है। तीनों शक्तियों से काम करने पर गीता के अनुसार कर्मयोगी भी सिद्ध हो जाता है, ज्ञान योगी भी सिद्ध हो जाता है, भक्ति योगी भी सिद्ध हो जाता है। एक से सिद्ध होने पर अगर विरोध न रखे पक्षपात न रखे तो तीनों स्थिति हो जाती है। पक्षपात विरोध रखता है तो जिस मार्ग में चले उससे ज्ञान हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।